अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू आज की एक नई वीडियो के साथ लाहौर रेलवे जंक्शन से खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं ईद उल अज़हा आ रही है करीब और इसी सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे ने 3 ईद पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है और उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईद के मौका पर जैसे कि तमाम ट्रेन में तकरीबन 100% जो टिकट्स हैं वो हो चुके हैं बुक। इसी सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे ने पैसेंजर्स को फैसिलिटी फ्राहम करने के लिए ईद 3 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है और नोटिफिकेशन भी खैर से हो गया है जारी। तो मैंने सोचा कि चलें एक वीडियो हो जाए और मैं आपको इन ट्रेन का टाइम टेबल, डेट और रूट बता दूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। सबसे पहले मिलो मेरे फैंस के साथ, हमारा जो प्यारा सेगमेंट है वो हो जाए और उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर जो रूट शेड्यूल इन तीनों ट्रेन का डेट वो बताता हूँ। तो हमारे साथ जयान मुगल लाहौर से और इसके साथ ये बच्चा हसीबुर रहमान, नहर में ये नहा रहा है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपने थोड़ा सा इंजॉय करना ही है तो कोशिश करें कि आप किसी करीबी स्विमिंग पूल पर भी जाकर नहा सकते हैं। और स्वाद से मुराद अली आज के इस सेगमेंट का बन चुके हैं हिस्सा। तो ये 3 मेंबर्स थे जिन्होंने मिलो मेरे फैंस के साथ में हिस्सा लिया। इसी तरह इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं जल्दी से इंस्टा पर इनबॉक्स कर दें अपनी पिक्चर और बन जाए मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा जिसका नेम है मिलो मेरे फैंस के साथ। 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी यहाँ पर मौजूद है और लाहौर कोटा रैक लगाया जा रहा है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में जो 100% कैपेसिटी है पैसेंजर्स की फुल है गाड़ी। तकरीबन आने वाले टाइम में तमाम ट्रेन्स ही ईद के करीब 100% फुल हैं। तो दोस्तों पहली ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी कोयटा से 26 जून को सुबह 10 बजे और ये मेन लाइन पर ही अपना सफ़र तय करेगी। सुबह कोयटा से निकलेगी 10 बजे और सिप्पी, जैकबाबाद, सखर, रहीमजार खान, बहावलपुर और इस रूट पर खानेवाल के बाद इस ट्रेन को स्टॉप दिया गया साहिवाल का, मियाँ चन्नू और चीचा वतनी का स्टॉप इस ट्रेन को नहीं दिया गया जो कि कोयटा से चलनी है 26 तारीख को और मेन लाइन से होती हुई ये पेशावर पहुँचेगी दूसरे दिन रात 8 बजे पेशावर पहुंचेगी और उसके बाद लाहौर, लाला मूसा, गुजरात, जेहलम ये तमाम इसके स्टॉप्स होंगे और रावलपिंडी से अटक, तो इस नौशहरा, जहांगीर रोड और इस तरह से ये पहली ईद स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी दूसरे दिन रात 8 बजे पेशावर। और दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी 27 तारीख को रात 8:30 बजे कराची कैंट से लाहौर के लिए और मज़े की बात यह है कि इस गाड़ी को मुल्तान दिया गया है, भावलपुर से मुल्तान से खानेवाल से ये ब्रांच लाइन पर चली जाएगी। शॉर्टकट स्टॉप दिया गया है गोजरा, टोबा टैक्सिंग, फैसलाबाद, सांगला हिल, शेखुपुरा और इस तरह से ये लाहौर पहुँचेगी दूसरे दिन शाम 5:45 बजे। 28 की शाम 5:45 बजे लाहौर पहुंचेगी और 8:30 बजे ये कराची कैंट से चलेगी 27 की रात को। तो दोस्तों ये 2 ट्रेनें हैं जो कि ईद से पहले चलेंगी, तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन और आखिरी वो चलेगी ईद के बाद 3 तारीख को चलेगी और सुबह लाहौर से रवाना होगी और वाया फैसलाबाद लाहौर से रवाना होगी, खानेवाल से मुल्तान, बहावलपुर और इस तरह से ये होती हुई पहुंचेगी कराची 4 तारीख को। और इसका जो 3 तारीख को ये सुबह 11 बजे लाहौर से रवाना होगी और 4 तारीख को ये 4 जुलाई को कराची पहुंचेगी तकरीबन सुबह
8:30 बजे। तो ये 3 ईद स्पेशल ट्रेन्स हैं जो कि पाकिस्तान रेलवे ईद उल अज़हा के मौके पर चलाने जा रहा है, 2 ईद से पहले 1 ईद के बाद। तो ज़्यादातर ये जो ट्रेन्स हैं ओपन टिकट पर पैसेंजर्स इन ट्रेन्स पर सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नोटिफिकेशन भी जारी हो गया हुआ है। तो आप चेक कर लें पाकिस्तान रेलवे की ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उस पर इन ट्रेन्स का जो डाटा सीट बुकिंग का, तो वो फ़िलहाल नहीं आ रहा। बाकी आप मज़ीद मालूमात के लिए अपने करीबी स्टेशन से भी रابطہ कर सकते हैं। ये स्पेशल ट्रेन्स पर आप इन रोड्स पर जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो आप इन पर सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ देर पहले मुझे एक मिनट आया एक भाई का, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ आपने मेंबर्स खास रखे हुए हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वही कमेंट करते हैं और आप उन्हें ही हैंड फ्री दे देते हैं। तो आप सबके लिए ये मैसेज है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे लिए तमाम एक जैसे हैं, सब खास हैं, कोई खास कोई एक वाला यहाँ पर काम नहीं है। पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, 5 सवालों के जवाब मुकम्मल करें, हैंड फ्री पहुँचाना मेरा आपको काम है। एक को मैंने बहावलपुर भेजी अहमद भाई को, उनको भी रिसीव हो चुकी, एक को मैंने भेजी पेशावर और एक यहाँ पर लाहौर से करीब ही थे। आगे भी आने वाले टाइम में जितने भी मेंबर्स होंगे जो जीतेंगे तो उनको मैं डिलीवर करूँगा, वो मेरा काम है। लेकिन इस तरह की सोच रखनी या तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी हैसियत के मुताबिक अगर मैंने कुछ देना स्टार्ट कर दी है, मतलब कि हैंड फ्री जितनी मेरी हैसियत है तो आने वाले टाइम में जितनी हैसियत होगी उस हिसाब से मोबाइल भी रखूँगा इनामात के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब किसी ने देना स्टार्ट कर दिया है तो उसके बारे में इस तरह से सोचना शुरू कर दो, तो खुदा जानता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों गर्मी बहुत शदीद है, बहुत ज़्यादा, ये एक पंखा लगा हुआ है। और ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मिस्टर फिरतू ने ईद स्पेशल ट्रेन का जो शेड्यूल है जारी हो गया है और आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अब जिन पैसेंजर्स ने सफ़र करना है वो कर सकते हैं इन ट्रेन्स पर। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस का जो सिलसिला है वो जारी है, अपडेट्स का सिलसिला जारी है। कोशिश करूँगा कि ईद स्पेशल ट्रेन्स जब लाहौर पहुँचें तो इन्हें कवर करूँ, रश आपको दिखाऊं। खैर आज की इस वीडियो में मिस्टर फिरतू आपसे चाहता है इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।